फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कूलर की मोटर है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये चल रहा है लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये रुक जा रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा से इसको चला रहे हैं तो ये दोबारा से चलने लग जा रहा है। और इसका हमने कैपेसिटर भी चेक किया, ये भी ओके है, बिल्कुल टनाटन बोल रहा है, और ये जो शाफ्ट है ये भी फ्री घूम रही है। तो ये चलते चलते क्यों रुक जा रहा है, इसको हम पहले खोल करके चेक कर लेते हैं। तो इसके बोर्ड हमने सारे खोल दिए हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो बाइंडिंग तो ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है बाइंडिंग में, देख सकते हैं आप बाइंडिंग ओके है। तो फ्रेंड, हमने इसको जब खोल करके चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शाफ्ट का ऊपर वाला हिस्सा है ये यहाँ पर घिस गया है, और बहुत ही बुरी तरह से घिस गया है। तो उसके साथ साथ जो इसका ऊपर वाला बुश है ये भी घिस गया है, और जो नीचे वाला ये बुश है ये भी मतलब ऐसा ही है, घिसा हुआ है। तो अब हम इसके बुश शाफ्ट चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने बुश शाफ्ट चेंज कर दिए, ये वाला बुश भी चेंज कर दिया है, और ये वाला भी पूरा चेंज कर दिया है, और इसकी शाफ्ट भी चेंज कर दी है। ये है इसका पुराना वाला मटेरियल, अब हम इसको फिट करेंगे, उसके बाद आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके बुश शाफ्ट कट गए थे इसलिए ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि ये चलते चलते बंद हो जा रहा था, फिर दोबारा से चलने लग गया था। तो फ्रेंड, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसके अंदर 99% यही प्रॉब्लम होती है बुश शाफ्ट की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें। अब हम इसको फटाफट से फिट कर लेते हैं।